असिस प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जो चैप्टर करने चाह रहे हैं इसका नाम है एमलगमेशन। इस वीडियो के अंदर हम एमलगमेशन के बारे में हम सारी चीज़ें सीखेंगे, इंट्रो करेंगे इसके बारे में। अब एमलगमेशन सीखने से पहले हम ये देखते हैं एमलगमेशन किस किस कोर्स के अंदर आता है और ये कितने मार्क्स का आता है। एमलगमेशन बीकॉम ऑनर्स में भी आता है, बीकॉम पास में भी आता है, CIPCSE ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर भी आता है। CA के अंदर ये 16 मार्क्स का आता है हर पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में और एडवांस अकाउंट्स में, और BCom के अंदर ये कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर 15 मार्क्स का चैप्टर आता ही आता है। एमलगमेशन में हमें बेसिकली ये एमलगमेशन का मीनिंग क्या होता है, एमलगमेशन मीन्स कि अगर एक कंपनी है पी लिमिटेड और एक कंपनी है क्यू लिमिटेड, अगर पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड को परचेज कर लिया तो वो एमलगमेशन है, या फिर पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड के साथ मिलके एक नया वेंचर खोल ले पी क्यू लिमिटेड, तो वो हो गया मर्जर का केस। ये दोनों के दोनों केस ही एमलगमेशन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। एमलगमेशन में हम बेसिकली दो तरह के टर्म्स पढ़ेंगे, पहला ट्रांसफरी और दूसरा ट्रांसफरर। अभी मैं जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें अभी आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी थोड़ी देर में, और हम एक एक कॉन्सेप्ट हम लाइन में सीखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर बेसिकली क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम दो टर्म सीखेंगे, एक ट्रांसफरी की क्या होता है और एक ट्रांसफर क्या होता है, दूसरा परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन का मेथड्स क्या होते हैं, परचेज कंसिडरेशन का मेथड्स क्या हैं। इसके अंदर तीन मेथड हम सीखेंगे, पहला पेमेंट्स मेथड, दूसरा नेट एसेट्स मेथड और तीसरा इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। उसके बाद हम ये इसके अंदर देखेंगे कि क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, परचेज का क्वेश्चन है या क्वेश्चन मर्जर का क्वेश्चन है, और हम देखेंगे परचेज की क्या कंडीशंस होती है और क्या मर्जर की कंडीशंस होती हैं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एमलगमेशन की आप नेट पे कोई भी वीडियो सर्च कर लेना, सबसे बेस्ट वीडियो और सबसे कम वेटेज की, जिसके मतलब ये है कि सबसे शॉर्ट के अंदर जो एक्सप्लेन होगा वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इसके अंदर आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और एकदम बेस्ट टू बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे कॉन्सेप्ट। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा एमलगमेशन का कॉन्सेप्ट, एमलगमेशन पार्ट 1, जो कि बीकॉम ऑनर्स पास CIPCSE ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आएगा। एमलगमेशन पार्ट 1 के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है ट्रांसफरी का और एक होता है ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड को परचेज करा, इट मीन्स पी लिमिटेड ने परचेज करा, तो परचेज जो बंदा करता है, जो कंपनी करती है उसको हम कहते हैं ट्रांसफरी, और जो कंपनी आपको सेल करती है यानी कि सेलर जो होती है उसको कहते हैं ट्रांसफर। इट मीन्स एमलगमेशन के अंदर हम दो बुक्स बनाएंगे, एक बनाएंगे फर्स्ट ट्रांसफरी की बुक्स और दूसरी बनाएंगे ट्रांसफर की बुक्स। ये वीडियो स्पेशली आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड पे। अब हम इसमें सीखेंगे कि परचेज कंसेशन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, क्या मेथड्स होते हैं और हम कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे आगे मेथड्स को। अब आपके स्क्रीन के ऊपर परचेज कंसेशन के मेथड्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। परचेज कंसीडरेशन के तीन मेथड्स होते हैं, फर्स्ट पेमेंट्स मेथड, सेकंड नेट एसेट्स मेथड एंड थर्ड इज इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। पेमेंट मेथड नाम से पता चल रहा है, अगर हमें पेमेंट्स के सारे मोड क्लियर हैं, यानी कि सपोज करो कि जो पी लिमिटेड है, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा पी लिमिटेड भी और क्यू भी, अगर पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड को परचेज करा तो पी लिमिटेड ने अगर बता दिया कि हम इक्विटी में खरीदेंगे, प्रेफरेंस में खरीदेंगे या कैश में खरीदेंगे क्यू लिमिटेड को, तो इट मींस ऑल मोड ऑफ पी लिमिटेड आर कंसीडर्ड, यानी कि सारे मोड हमें पेमेंट के गिवन है। तो अगर सारे के सारे मोड हमें पेमेंट्स के गिवन होंगे तो वो क्वेश्चन होगा पेमेंट्स मेथड का, यानी हम परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे पेमेंट्स मेथड से। तो आपकी स्क्रीन को पेमेंट्स मेथड डिस्प्ले हो रहा होगा, ऑल द मोड्स ऑफ द पेमेंट क्लियरली डिफाइंड, अगर सारे के सारे पेमेंट्स के मोड क्लियरली डिफाइंड हैं देन इट्स अ हम पीसी जो निकालेंगे पेमेंट्स मेथड। एग्जांपल ट्रांसफरी कंपनी ने पे करा ट्रांसफर कंपनी को अगर इक्विटी में, प्रेफरेंस में और कैश में, तो इट मींस सारे के सारे मोड, यानी कि हमें पता है कि ट्रांसफरी कंपनी ने यानी कि पी लिमिटेड ने इतना पैसा ट्रांसफरर कंपनी को दिया और उसको बता दिया कि हमने इस तरह से पैसा गिवन है, अगर क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइंड है तो ये मेथड जो होगा वो होगा पेमेंट्स मेथड का। इट मींस हम परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे पेमेंट्स मेथड। अब हम देखेंगे नेट एसेट्स मेथड, जो कि हमारा सेकंड मेथड है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नेट एसेट्स मेथड डिस्प्ले हो रहा है। नेट एसेट्स मेथड मींस नाम से पता चल रहा है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर देंगे तो नेट एसेट आ जाएगा। अब ये मेथड यूज़ कब होगा, ये मेथड तब यूज़ होगा जब हमें पेमेंट का मोड एकदम क्लियरली और एक्यूरेट डिफाइन नहीं होगा। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन वी डोंट नो और परचेज कंसेशन इज़ नॉट फुली नोन, यानी कि अगर हमें सिंपल दे दिया कि 1000 हमारे पास इक्विटी शेयर हैं 10 रुपये के,
और बैलेंस जो हम देंगे वो कैश में देंगे। अब ट्रांसफरी कंपनी ने ये नहीं बताया इसके अंदर कि हम बैलेंस कितना कैश में देंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट्स के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी किसकी करेंगे, ट्रांसफरर कंपनी की, इसको माइनस करेंगे, और माइनस करके हम ये देखेंगे नेट एसेट्स हमारा आ जाएगा। अब ये जो नेट एसेट्स का टोटल होगा यही हमारे पीसी का टोटल होगा, टोटल ऑफ पीसी होगा ये। इस पीसी में से जब मैं इक्विटी की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कि मैं कितना कैश या प्रेफरेंस में दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर सॉल्यूशन आएगा जिसको मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, नेट एसेट्स मेथड। अभी हमने दो मेथड सीखे हैं परचेज कंसीडरेशन के, एक पेमेंट्स मेथड और दूसरा नेट एसेट मेथड। पेमेंट मेथड तब यूज़ होगा जब सारे पेमेंट के मोड एक्यूरेटली एंड क्लियरली डिफाइंड होंगे। नेट एसेट मेथड जब पेमेंट मेथड के भी मोड गिवन नहीं होंगे तो नेट एसेट मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि 1000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपये के, और बाकी बैलेंस जो हम दे रहे हैं वो कैश में दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये देगा कौन, ऑब्वियस बात है जो परचेज करेगा यानी कि पी लिमिटेड। पी लिमिटेड है ट्रांसफरी, तो ट्रांसफरी ने बताया कि हम आपको 1000 इक्विटी शेयर अपने 10 रुपये के देंगे और बाकी का जितना बैलेंस होगा वो हम आपको कैश में देंगे। अब आपके सामने स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन डिस्प्ले हो रहा होगा, अब आपकी स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन डिस्प्ले हो रहा है और क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। 1000 इक्विटी शेयर क्योंकि 10 रुपये के हैं और बाकी का बैलेंस मैं कैश और प्रेफरेंस में कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले देखना है कि टोटल कितना होगा। तो टोटल मैं जब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 50,000 रुपये। हाँ, ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटी नेट एसेट्स का ही टोटल आ जाएगा। अब मैं ऊपर लिखूंगा इक्विटी 1000 शेयर है 10 रुपये के, तो 10,000। अब मैं इस 50,000 में जब इसको माइनस कर दूंगा तो बैलेंस, अब अगर कंपनी प्रेफरेंस दे रही है तो प्रेफरेंस आ जाएगा, कैश दे रही है तो कैश आ जाएगा। तो ये नेट एसेट्स मेथड का तरीका होता है। नेट एसेट मेथड तभी यूज़ होता है जब हमें टोटल गिवन है, क्योंकि पेमेंट्स मेथड में हमें टोटल गिवन है। टोटल कैसे गिवन है उसमें बताया होगा, इक्विटी हम इतने के दे रहे हैं, कैश हम इतने के गिवन है, तो टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमने दो मेथड सीख लिए हैं, फर्स्ट पेमेंट्स मेथड एंड सेकेंड नेट एसेट मेथड। अब हम तीसरा मेथड सीखेंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत एक चीज़ें बताता हूँ। देखो, एमलगामेशन एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको अगर आपने अच्छे से करना है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए। कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आपकी हर एक प्रॉब्लम का एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अब हम इसके अंदर एक इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसका रिप्लाई करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखो, हम एफर्ट्स पूरे डालते हैं, तो जो भी चैनल जिसके भी होते हैं हर कोई अपने पूरा एफर्ट्स डालता है। तो एज अ व्यूअर आप लोगों का भी हमारे लिए किए होना चाहिए ताकि आप हम सबको मोटिवेट करें। अब मोटिवेट हम कैसे करेंगे, या तो आप लाइक कर दीजिए, या आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, या कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें बताइए कि इसमें आपको क्या डाउट है, क्या क्लियर नहीं हुआ। तो हर एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिए, कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और रीजनेबल टाइम पीरियड में आपको सारे रिप्लाई गिवन होंगे। थर्ड मेथड जो हम कर रहे हैं ये इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड क्या होता है, जिसके अंदर हमें शेयर की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मैंने दो कंपनी क्वेश्चन में दी थी, एक पी लिमिटेड एक क्यू लिमिटेड। अब पी लिमिटेड ने क्योंकि क्यू लिमिटेड को परचेज करा है, तो हम पी लिमिटेड ये देखेगी कि क्या क्यू लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू क्या है मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने शेयर्स उसको इशू कर देगी। तो उसको कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड, मीन्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स, कि हम इक्विटी होल्डर्स को पैसा कितना देंगे। अच्छा, किसका निकालेंगे, ये हम निकालेंगे ट्रांसफरर कंपनी का, क्योंकि पी लिमिटेड ने तो खरीदा है और खरीदी हुई कंपनी शेयर्स अपने देगी, तो जो कंपनी सेल हो रही है उस कंपनी का हम ये निकालेंगे अगर पी लिमिटेड का इंट्रेंसिक वैल्यू गिवन है, वरना हम दोनों का निकाल लेंगे। तो फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मेरे को पता लग गया भैया इक्विटी को पैसा इतना देना है और इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, तो यानी कि सामने वाली कंपनी दैट इज़ क्यू लिमिटेड के पर शेयर की मार्केट वैल्यू आज की ये होगी। अब फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी कैसे आएगा, मैं उस कंपनी के क्यू लिमिटेड के सारे एसेट्स ले लूँगा, सारी लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूंगा और प्रेफरेंस शेयर माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। अब उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से उसकी डिवाइड कर दूंगा, यानी कि क्यू लिमिटेड की सारी एसेट्स, क्यू लिमिटेड की सारी लाइबिलिटी और प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस कर दूंगा,
तो फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर आ जाएगा, डिवाइड कर दूंगा उसी कंपनी के शेयर से, तो मेरे को पता चल जाएगा पर शेयर की आज की वैल्यू क्या है, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, शॉर्ट फॉर्म इस IV होता है इसका। अब हमने जब ये पढ़ा है कि ट्रांसफरी क्या है, ट्रांसफरर क्या है, तीन मेथड्स पढ़ लिए, परचेज कंसेशन की, पैसा हम किस रूप में देंगे भैया, पेमेंट्स के रूप में हम देंगे, अच्छा नेट एसेट्स के रूप में देंगे या इंट्रेंसिक वैल्यू के रूप में देंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा बच्चों को ये डाउट आता है क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, परचेज का क्वेश्चन है या मर्जर का क्वेश्चन है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा नेचर के क्वेश्चन का, नेचर के देखो जो क्वेश्चन का नेचर होता है ना, इससे क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के नेचर जो है डायरेक्टली हिट्स करता है किसको, जर्नल एंट्री को। अब दो नेचर होते हैं, या तो क्वेश्चन मेरा परचेज का हो सकता है या क्वेश्चन मर्जर। परचेज मीन्स पी ने क्यू को खरीद लिया, पी ने क्यू को खरीद लिया, और मर्जर मीन्स पी और क्यू मिल के बन गए हैं पी क्यू लिमिटेड। तो ये हो गई है। अब हम ये सीखेंगे, कंडीशन देखेंगे कि परचेज कब कब होगा। जो मैं कंडीशंस बता रहा हूँ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन बताऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ, सीधा सीधा बुक्स के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, बुक की कोई आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, सीधा वीडियो देखो और क्वेश्चंस करने चालू हो जाओ, एकदम बेस्ट वीडियो है, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे आपके, ट्रस्ट करके देखो और ज़रूर क्वेश्चंस सारे निकलेंगे। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर परचेज कंसिडरेशन, मतलब हम ये देखेंगे कि नेचर जो है वो परचेज का है या मर्जर का है, तो परचेज की पहले कंडीशंस डिस्प्ले होंगी। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा परचेज की कंडीशंस के नेचर क्या है, परचेज का है कि नहीं है। तो पॉइंट दैट क्लियरली स्टेट्स दैट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन परचेज, यानी कि नेचर परचेज का है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन आप देख लो, अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि किसी भी रीवैल्यूड एसेट, यानी कि कोई एसेट है अगर बैलेंस शीट में 10,000 की है और एडजस्टमेंट में गिवन है कि उसकी रीवैल्यूएशन हो गई है, यानी कि उस एसेट की वैल्यू चेंज करके अब हो गई है 5,00,000 रुपये, यानी कि एसेट की वैल्यू बदल गई अगर, या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो गई, तो समझ लो क्वेश्चन परचेज का। दूसरा, अगर जो ट्रांसफ्री कंपनी यानी कि पी लिमिटेड, अगर उसने सामने वाली कंपनी यानी क्यू लिमिटेड कुछ स्पेसिफिक एसेट्स परचेज करे हैं, जैसे उसके पास उस पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड के सारे एसेट ले लिए लेकिन कैश छोड़ दिया, तो कुछ स्पेसिफिक एसेट परचेज कर लिए ना, और ऐसी कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरी ले ली, क्रेडिटर्स ले ली और बाकी लाइब्रेरी डिवेंचर छोड़ दी, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन फिर परचेज का हो गया। जब परचेज कंसेशन में पी लिमिटेड ने यानी कि ट्रांसफरी कंपनी ने कैश दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक किसका हो गया, परचेज का। देखो मैं जो भी लिंक्स कर रहा हूँ सारे के सारे पी और क्यू से कर रहा हूँ, तो इट मीन्स आपको ये वीडियो जो है स्टार्टिंग से ही देखनी पड़ेगी, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो परचेज की तीन कंडीशन हमने सीख ली कि जब एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू रीवैल्यू हो जाए तब वो पीसी का कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा जब स्पेसिफिक एसेट्स और लायबिलिटी ली जाती हैं, तीसरा जब कैश गिवन होता है परचेज कंसेशन में। इसके अलावा आप सिंपल सा एक हिसाब देखो कि अगर पी ने क्यू को ख़रीदा, तो अगर क्यू की सारी एसेट्स और लायबिलिटी पी की बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा मर्जर। अगर उन एसेट्स और लाइब्रेटीज़ में कुछ भी चेंज आ जाए, हल्का सा भी चेंज आ जाए, चाहे मानो एडजस्टमेंट में आपसे गुडविल ही कैलकुलेट क्यों ना करवाई हो क्यू की, तो इट मींस वो क्वेश्चन फिर से किसका हो गया, परचेज का। अच्छा सपोज करो पी और क्यू मिलके पी क्यू लिमिटेड बन गया, अब पी की सारी बैलेंस शीट और क्यू की बैलेंस शीट मिला के आप रफ में देख लो कि वो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है सपोज करो 2,00,000, लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी चेंज हो गई जिस वजह से टोटल आपका आ रहा है 10,00,000, इट मीन्स रिवैल्यूशन फिर से हो गई। मतलब आप ये देखो कि अगर फाइनल परचेजर की बुक, परचेजर मीन्स ट्रांसफरी की बुक्स में अगर बैलेंस शीट में 1 रुपये की भी चेंज आ गई सामने वाले की एसेट के चेंज की वजह से, अगर वो चेंज आया यानी कि क्यू लिमिटेड की बैलेंस शीट में अगर 1 रुपये का भी चेंज आया क्योंकि क्यू लिमिटेड को परचेज करा पी लिमिटेड ने, तो बाद में उसकी एसेट लाइबिलिटी तो उसमें ऐड हो जाएगी पी लिमिटेड में, तो इट मीन्स अगर क्यू लिमिटेड की बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज आया है तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ परचेज, परचेज का क्वेश्चन हो जाएगा ये। परचेज मीन्स कुछ भी चेंज आए, चाहे एसेट्स में आ जाए, लाइब्रेरी में आ जाए, या फिर कैश में मैं पीसी पे कर रहा हूँ, एनी चेंज विच अफेक्ट्स द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी की बैलेंस शीट को अफेक्ट करे, किस वजह से वो चेंज होगा, ड्यू टू चेंज इन द आइटम्स ऑफ द ट्रांसफरर, ट्रांसफरर यानी क्यू की बैलेंस शीट के अंदर, क्यू लिमिटेड की बैलेंस शीट में चेंज होगा, इसकी वजह से पी लिमिटेड की बैलेंस शीट में अगर चेंज होगा
तो ये क्वेश्चन किसका आ जाएगा, परचेज का क्वेश्चन आ जाएगा, क्यू लिमिटेड की बैलेंस शीट में चेंज की वजह से। अगर इसकी बैलेंस शीट में चेंज आ जाए तो क्वेश्चन परचेज का आएगा। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल और शो होगा, उसके अंदर एक और एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन परचेज का कैसे हो जाएगा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर वो एग्जाम्पल डिस्प्ले हो रहा होगा, अच्छे से सुनिएगा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्प्ले हो रहा होगा, इसके अंदर पी लिमिटेड ने पी क्यू लिमिटेड दोनों कंपनी को खरीद लिया। अब अगर पी क्यू ने इन दोनों को खरीद लिया तो क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट है कि इस कंपनी ने इस कंपनी के अंदर 5,000 शेयर्स लिए हुए हैं, यानी कि इसके लिए हो गई ये इन्वेस्टमेंट और इसकी हो गई शेयर कैपिटल इंक्रीज। तो क्योंकि अब ये दोनों कंपनी ही एक कंपनी बन गई हैं, इट मीन्स इसकी इन्वेस्टमेंट बेकार और इसकी शेयर कैपिटल इंक्रीज बेकार, क्योंकि आपस में तो पैसा कमाएंगे नहीं ना कोई, आपस में तो हम पैसा कमा नहीं सकते। इसने इसमें इन्वेस्ट करा और इसके इन्वेस्टमेंट की वजह से इसकी शेयर कैपिटल बढ़ गई। अल्टीमेटली इन दोनों कंपनी को एक ही कंपनी ने खरीद लिया, तो इट मीन्स ना अब इसकी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई और शेयर कैपिटल बेकार हो गई। तो हम एमलगमेशन में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों कंपनी क्योंकि एक ही कंपनी यानी पी क्यू लिमिटेड से बिलोंग करती है, अब क्योंकि दोनों ही कंपनी एक ही कंपनी बाद में बन गई है तो इसकी इन्वेस्टमेंट बेकार, इसकी शेयर कैपिटल बेकार। तो हम क्या करेंगे, इसकी एसेट्स में से इसकी इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे और इसकी शेयर्स में से इसकी शेयर जो 5,000 शेयर्स है उसको माइनस कर देंगे। यानी कि अगर इसके 1,00,000 शेयर्स हैं, मतलब क्यू लिमिटेड के अपने 1,00,000 शेयर्स हैं, तो 5,000 शेयर माइनस होने वाला क्यू लिमिटेड के कितने शेयर्स रह जाएंगे, 1,00,000 शेयर्स माइनस 5,000, तो इसके रह के 95,000 शेयर्स रह जाएंगे क्यू लिमिटेड के। तो ये इसकी शेयर कैपिटल कम हो गई और पी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट में से ये 1,00,000 की वैल्यू के एसेट में माइनस कर दूंगा। अब इसमें भी अभी देखो इसमें क्या, सो इन्वेस्टमेंट इज नाउ एक्सक्लूडेड ऑल्सो एंड शेयर कैपिटल ऑफ क्यू लिमिटेड शैल बी एक्सक्लूड। तो पी लिमिटेड में से मैं इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूंगा और क्यू लिमिटेड में से मैं शेयर कैपिटल माइनस कर दूंगा। अब हम देखेंगे कि मर्जर की क्या कंडीशंस होती हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि परचेसी का कंडीशन होती है, अगर कोई बैलेंस शीट की एसेट रिवैल्यूड हो जाए, लाइबिलिटी रिवैल्यूड हो जाए, दूसरा पीसी को मैंने कैश में पे करा है, तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि कोई भी एनी चेंज दैट लीड्स टू चेंज इन द अल्टीमेट चेंज अगर आ जाए ट्रांसफ्री की बुक्स के अंदर बैलेंस शीट्स में, तो ये सारी कंडीशन मिला के कौन सी होती है, परचेज की होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि मर्जर की कंडीशंस क्या होती हैं। मर्जर का मतलब अगर पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड को एज इट इज़ खरीद लिया, यानी कि उसकी सारी एसेट्स क्यू की, सारी लाइबिलिटीज क्यू की और क्यू का रिजर्व्स सरप्लस प्रॉफिट लॉस ये सारा का सारा अगर क्यू का पी का हो जाए, पी लिमिटेड का मतलब क्यू लिमिटेड की सारी एसेट्स लाइबिलिटी रिजर्व्स अब पी की हो गई आज से, तो ये क्वेश्चन हो गया मर्जर का। और ये सारी की सारी किस पे होंगी, बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू किसे कहेंगे, जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी है। अच्छा, दूसरा क्यू लिमिटेड के 90% शेयर होल्डर एग्री भी होना चाहिए और तीसरा परचेज कंसेशन में कैश में कुछ भी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये क्वेश्चन जो है मर्जर का होगा। अब क्वेश्चन में कभी कभी बस बच्चों को मेन यही दिक्कत आती है कि भैया क्वेश्चन परचेज का कि मर्जर का, तो आप जाते साथ ये देख लो कि भाई साहब क्वेश्चन के अंदर जो ट्रांसफ्री की बुक्स है क्या उसके अंदर कुछ भी चेंज आ रहा है, अगर अटर्नी का भी चेंज आ रहा है तो क्वेश्चन आपका परचेज का है। कोई टेंशन आपने लेनी नहीं, कुछ भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। एमलगमेशन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप नेट पे कुछ भी सर्च कर लीजिए, सबसे बेस्ट आपको जो कॉन्सेप्ट्स होंगे शॉर्ट के अंदर और हर एक कॉन्सेप्ट कवर होगा वो आपको इन्हीं वीडियोस के अंदर मिलेगा मेरे चैनल पे आशीष क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड पे। अब आपके सामने जो कॉन्सेप्ट होगा, अब हम बस ये देखेंगे, इस वीडियो को हम एंड करेंगे, आगे की जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम सीखेंगे जर्नल एंट्री सीखेंगे। अच्छा, अब आप ये कंसीडर करो कि अगर क्वेश्चन आपका परचेज का ना, तो इट मींस बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट में जो भी रिवैल्यूड फिगर है वो आप नेट एसेट में भी यूज़ करोगे। नेट एसेट पता ना भाई साहब क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, और ये कब यूज़ करना है, जब आपको पीसी का टोटल नहीं पता, मतलब मोड ऑफ पेमेंट हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो रिवैल्यूड फिगर को हम नेट एसेट में भी यूज़ करेंगे, लेकिन नेट एसेट सिर्फ दो चीज़ों को इग्नोर कर दिए, पहला म्यूचुअल इंडेबटनेस और दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। म्यूचुअल इंडेबटनेस क्या है और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक क्या है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मे बी इन पार्ट थ्री के अंदर हम इसको सीखेंगे, म्यूचुअल इंडेबटनेस को और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक को। अब आपके सामने एक बार स्टार्टिंग से ही सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दोबारा डिस्प्ले होंगे और उसके बाद हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफ्री।
अब आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा एमलगमेशन पार्ट वन। इसके अंदर हमने पहला आज का टॉपिक सीखा पी और क्यू लिमिटेड होते क्या हैं, ट्रांस फ्री और ट्रांसफर होते हैं। दूसरा हमने ये देखना है कि परचेज कंसेशन कैसे कैलकुलेट, परचेज कंसेशन निकालने के तीन मेथड होते हैं, पेमेंट मेथड, नेट एसेट्स मेथड और इंट्रेंसिक वैल्यू। पेमेंट मेथड में सारे मोड्स गिवन होते हैं। अच्छा, पेमेंट तीन ही से होती है, इक्विटी, प्रेफरेंस और कैश। डिबेंचर की पेमेंट को हम परचेज कंसेशन में इंक्लूड नहीं करते। अब आपके उसके ऊपर नेट एसेट मेथड दिख रहा होगा। नेट एसेट मीन एसेट माइनस लाइबिलिटी के लिए नेट एसेट आया था। दिस मेथड इज़ यूज व्हेन वी डू नॉट नो, और परचेज कंसेशन मतलब अगर हमें पता नहीं है तो हम ये कर लेंगे। नेट एसेट्स का जो हमने आज का एग्जांपल सीखा वो भी हम देख रहे हैं। लास्ट में हमने 50,000 का हमें पता चल गया था नेट एसेट से, और इक्विटी माइनस करते थे बैलेंसिंग फिगर आ गई थी। क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, एग्जाम्पल भी। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। स्क्रीन पे इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। इंट्रेंसिक वैल्यू के फॉर्मूलाज यही हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर परचेज, आपके स्क्रीन के ऊपर परचेज की पॉइंट्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही करके आप चैप्टर का बेस बना सकते हो। और मैं बता रहा हूँ, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, ट्यूशन से कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ वीडियो अच्छे से आप देखो, दो बार देखो, कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दो। आपके रिप्लाई एक रीजनेबल पीरियड के अंदर ज़रूर ज़रूर दिए जाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से ही हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी। हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आसान तरीके से आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। अब आपके सामने ये मर्जा कॉन्सेप्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। तो यही इस वीडियो के अंदर है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। और आप अब इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखिए, सीखते रहिए। तो आज हमने एमलगमेशन पार्ट वन के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। हमने ट्रांसफरी सीखा, हमने ट्रांसफर सीखा, फिर हमने परचेज कंसेशन निकालने के मेथड सीखे, फिर हमने परचेज के पॉइंट सीखे, मर्चर सीखे और कुछ एक आधा एग्जाम्पल सीखे। इन एग्जाम्पल्स को, कॉन्सेप्ट्स को आप ज़रूर एक बार दोबारा से पढ़िएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना मन तो जीतना मन। जय हिंद।